तो फ्रेंड्स, करंट के बारे में बात करने से पहले हम वोल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वोल्ट का मतलब देखिए, वोल्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम वोल्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम डीसी सप्लाई के बारे में बात करें, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट, ओके, 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट। तो ये सारे वोल्ट्स जो होते हैं, इस पे हम कोई भी स्ट्रक्चर को प्ले करते हैं, इसका मतलब कोई भी हम कंपोनेंट को इसको यूज करते हैं, तो वो हमारा वोल्ट में आता है, उतनी वोल्टेज उसको चाहिए होता है। और ये वोल्ट जो होता है, ये आपका एसी भी होता है और डीसी भी होता है, ठीक है। एसी का मतलब क्या हो गया, एसी का मतलब हो गया जो हमारे घर में जो सप्लाई आती है, जैसे हमारा जो टीवी फ्रिज और सारी चीजें चलती हैं, वो एसी करंट होती हैं। और डीसी करंट का मतलब होता है जितनी भी बैटरीज होती हैं वो सारी डीसी करंट में होती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारे घर में अगर हम एसी करंट की बात करें तो ये 220 से 240 वोल्ट तक आती हैं, ये बेसिकली करंट्स होते हैं, ये एसी करंट है। और डीसी सप्लाई में अगर हम बात करें तो डीसी तो 1 से लेके 24 वोल्ट तक मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं इस तरह से इसको। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें समझना है कि वोल्ट, उसके बाद एम्पियर समझना है, और फिर हमें टोटल उसके वॉटेज को समझने हैं, टोटल कितनी वॉट होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि डीसी वोल्ट, तो इसका मतलब अगर हमें वॉट निकालना है, सपोज दैट, तो वॉट का मतलब यहां हो गया कि टोटल वॉटेज। इसका मतलब सबसे पहले हम एम्पियर और वोल्ट को समझ लेते हैं। तो वोल्ट को हम हमेशा वी से लिखते हैं और एम्पियर को हम हमेशा आई से लिखते हैं। ये एम्पियर का मतलब हो गया कि ये आपका करंट, मतलब कितना करंट यूज हो रहा है और कितना वोल्ट पे यूज हो रहा है। तो अगर हम डीसी के लिए देखें, डीसी के लिए अगर हम वाट की बात करें, सपोज दैट, तो ये हमेशा होता है वी आई, मतलब कितना वोल्ट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने आई यानी करंट से। एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि हमारी कोई 12 वोल्ट की सप्लाई है, ठीक है, और 12 वोल्ट का कोई डीसी मोटर हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा जो करंट है वो 2 एम्पियर ले रहा है। तो हमारा वॉट होगा 24, ठीक है फ्रेंड्स। ये बेसिकली डीसी सप्लाई के लिए है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए एक डीसी मोटर है, ये 12 वोल्ट का डीसी मोटर है, ठीक है, और इसको हम जो पावर सप्लाई दे रहे हैं वो दे रहे हैं 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये रन कर रहा है, अब 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, तो ये जो चल रहा है मोटर, जो ये रोटेट करेगा, ये मोटर रोटेट करने के लिए कितना करंट यूज कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये नॉर्मली रोटेट होने पे 1 एम्पियर का करंट यूज कर रहा है, तो हमने कितना दिया इसको, 12 वोल्ट दिया, और करंट इसने कितना कंज्यूम किया, 1 एम्पियर कंज्यूम किया। तो टोटल वाट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12 वाट, ठीक है। मान लीजिए 12 वोल्ट का ही कोई लोड है, 12 वोल्ट का ही कोई डीसी मोटर है, और उसने जो करंट कंज्यूम कर रहा है, मतलब जो रन करने के लिए वो जो करंट जितना वो खींच रहा है, जो कितना करंट ले रहा है, वो मान लीजिए 4 एम्पियर ले रहा है, तो आपका जो वॉटेज हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 12 × 4 = 48 वॉट। ये डीसी करंट के लिए फ्रेंड्स है। अब हम एसी करंट के बारे में समझते हैं। एसी करंट में क्या होता है, जो हमारे घर की जो जितनी भी घर की जो सप्लाई होती है, वो हमारा जो होता है वो एसी करंट में होता है। ये एसी करंट आपका 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक होता है। इसी पे सारी जो भी चीजें हैं आपकी वो रन करती हैं,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी वॉट के लिए सेम वही फॉर्मूला होता है, वोल्ट इंटू करंट, लेकिन यहाँ पे एक पावर फैक्टर भी होता है जिसको हम पीएफ बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर 220 वोल्ट से कोई चीज़ हमारी मान लीजिए फ्रिज चल रही है और वो जो करंट ले रही है वो मान लीजिए 4 एम्पीयर ले रही है, ठीक है, तो पावर फैक्टर को हम हमेशा 0.94 से 0.95 तक मल्टीप्लाई करते हैं, ये पावर फैक्टर का वो होता है, ये हो जाएगा 0.95। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीब आएगा, यानी 836 वॉट, ये आपका एसी करंट के लिए हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी टोटल एम्पियर की और वॉटेज की, तो हम यहां पे निकाल सकते हैं। मैं आप लोग को फ्रेंड्स एक बेसिक चीज बता दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हमेशा जो है वॉट इक्विवेलेंट होता है वोल्ट और करंट के, करंट को हमेशा हम आइट से लिखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चनिंग आ रही है कि एक यहाँ पे एक एम्पियर में कितने वॉट होते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से हम यूज तो कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कैसे, यहां पे देखिए आप, अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो आपको सबसे पहले वोल्ट और वॉट दो चीजें, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है। एक एम्पियर का मतलब हो गया कि ये एक एम्पियर करंट ले रहा है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि वॉट बराबर होता है वी इंटू आई, ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मान लीजिए इन दोनों को हम इधर लिख लें, यानी वोल्ट और करंट को अगर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो हमें वॉट मिलता है। यानी अगर हमें सिर्फ करंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉट में वोल्ट से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला बनेगा। अब इस फॉर्मूला पे हम थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। तो हमने ये चीजें देख ली कि अगर हमें करंट चाहिए तो हमें वॉट और वोल्ट को भाग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे हम समझेंगे, मान लीजिए हमें करंट पर नहीं पता है कितना करंट वो ले रहा है, लेकिन अगर हमें वॉट और वोल्ट पता है तो हम करंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक डीसी मोटर है जो कि 24 वॉट ले रहा है, ठीक है, टोटल वोल्टेज 24 है, और उस डीसी मोटर को जो हमने सप्लाई दी थी वो 12 वोल्ट की दी थी। तो हमें ये पता करना कि करंट कितना वो ले रहा है, मतलब वो डीसी मोटर रन करने पे के लिए चलने के लिए कितना करंट ले रहा है। तो नॉर्मली हम हमारा जो फॉर्मूला है 2 एम्पियर, यानी हमारा जो डीसी मोटर है वो सिर्फ 2 एम्पियर करंट को ले रहा है, क्योंकि टोटल वोल्टेज हमें पता है और टोटल हमारा वोल्ट पता है तो हम अपना करंट निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वॉट बराबर वोल्ट इन करंट, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए, आपके को कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। मान लीजिए आपको वॉट पता है 24 वोल्ट वोल्टेज है और आपको करंट भी पता है, ठीक है, मान लीजिए 2 एम्पियर है। अब हमें वोल्ट निकालना है, मुझे वॉट पता है करंट पता है लेकिन हमें वोल्ट नहीं पता है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यानी ये होगा W,
यानी वोल्ट और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉट हो जाएगा, जिसके हम पहले से समझते आ रहे हैं, यानी वोल्ट बराबर हो जाएगा W अपॉन I। ये फार्मूला हमें बनेगा, यानी वॉट अपॉन करंट, ये हो जाएगा 24 × 2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। यानी हमारा जो वोल्ट है वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दो चीजें अगर पता है, आपको वोल्ट और करंट पता है, तो आप वॉट निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये डीसी के लिए है फ्रेंड्स, ओनली डीसी के लिए रूल है ये। और अगर आपको करंट पता है, करंट पता करना है, वोल्ट और वॉट पता है, तो आप निकाल सकते हैं। अगर आपको वोल्ट निकालना है, वॉट और करंट पता है, तो आप निकाल सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये कभी आपको भूलना नहीं है। अगर ये आपको पता है तो आप कुछ भी इजीली आप जो है उसको निकाल सकते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को कभी और कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, आप लोग एम्पियर करंट और वोल्टेज को बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आपने चार्जर पे देखा होगा 12 वोल्ट, 2 एम्पियर, 5 वोल्ट, 4 एम्पियर, है ना, 9 वोल्ट, 3 एम्पियर, 24 वोल्ट, 5 एम्पियर। आपने ये चीजें देखी होंगी कि 12 वोल्ट, 2 एम्पियर, 5 वोल्ट, 4 एम्पियर, 9 वोल्ट, 3 एम्पियर और 24/5। इसका मतलब क्या है, हम इससे सीधे वॉट निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब ये हमारा हो जाएगा 24 वॉट का, ये हो जाएगा 20 वॉट का, ये हो गया आपका 27 वॉट का, और ये हो गया आपका 220 वाट का। आपने देखा होगा कि मेरे पास जो है पावर एडाप्टर है एक, जो कि 24 वोल्ट 5 एम्पियर का है, इसका मतलब 220 वाट का हमारा एडाप्टर है। मतलब मैक्सिमम इससे ज्यादा पावर हम किसी अपने इक्विपमेंट्स को नहीं दे सकते हैं। तो ये बेसिकली चीजों को आपको समझना था, जो आपने बहुत अच्छे से करंट वोल्ट और एम्पियर को बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। और आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को अगर लाइक अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि और अच्छे वीडियोस आपको इस तरह के मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।